मैं योगा 1 तारीख से करने वाला था, लेकिन दोस्तों वो पार्टी का हैंगओवर था। फिर सोचा 3 तारीख से शुरू करूंगा। मैं सुबह 4 बजे उठ भी गया था, बस थोड़ा 5 मिनट के लिए सो क्या गया, 6 नहीं 7 नहीं सीधा 8 बजे उठा। एक कमबख्त सर्दी का मौसम है, 9 बजे घर से निकलना पड़ा, 10 बजे मीटिंग थी। मैं घर से 9:02:11 हो गया। उस दिन मेरे योगा प्लान के 12 बज गए यार। सोचा 13 से शुरू करता हूँ, लेकिन 13 तो वो अशुभ होता है ना। अगले दिन 14 को वो हाँ ऑफिस में लेट नाइट हुई, तो 15 भी योगा नहीं हो पाया। नेक्स्ट डे सोलापुर से मेरे चाचा आ गए, वो भी पूरे 17 साल बाद। हमने पूरी रात गप्पे मारी। नहीं तो 18 की सुबह भी मेरा योगा पक्का था। हाँ अब थोड़ा 19-20 तो हो ही जाता है ना ऐसी चीजों में। 21 किलो कम करना था वजन, 22 साल का होता तो दिन में पूरे 23 घंटे योगा करता। लेकिन 24 दिन बाद प्रभु की कृपा से 25 को संडे मिल गया, तो आराम करना पड़ा। 26 को रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन, 27 की सुबह लूज मोशन, और 28 की सुबह सर्दी ने तोड़ दिया था 29 साल का रिकॉर्ड। अब ठंड में योगा करके किसको 30 मार्का बनना है? बस 2 और दिन 2 और दिन। 31 तारीख के बाद दुनिया की कोई भी ताकत मुझे योगा करने से नहीं रोक सकती। हैप्पी न्यू ईयर। कहानियां तो हर जगह होती हैं, कैलेंडर की डेट्स में भी होती हैं। अगर आपके पास भी इन डेट्स को लेकर कोई कहानी है तो हमें मेल कीजिए coderedfilms@gmail.com पर। अच्छी लगी तो उसे प्रिंट कर देंगे। सोच क्या रहे हैं? कहानी सोचिए सोचिए सोचिए। Code Red Films, it's all about stories.